तो वही लेके आते हैं और शाम को बारबेक्यू करेंगे आज। रुको चलो खाते जाओ और सुनते जाओ है? इसे खाते जाओ और सुनते जाओ। इसको सुनने से क्या होगा? जुकाम। अगर किसी ने पकड़ा सबसे पहले रणवीर मंडन सब इसी में ही रहा, लेकिन उसके बाद मैंने चार्ज नहीं किया। हेलो गुड मॉर्निंग बाबा लोगों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। देख रहे हैं तो शुरुआत है एक नए सुबह की। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे व्लॉग में जो कि आप आज देख रहे हैं। तो बस अब नया दिन हो गया सुबह। आई होप आप लोगों ने मेरे पिछले 3 व्लॉग जो थे लंदन ट्रिप के वो एंजॉय करे होंगे और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। बस अभी जो है अपना प्लान चल रहा है कि आज बारबेक्यू करते हैं, क्योंकि आज मौसम ने थोड़ा सा साथ दे रखा है। मौसम बढ़िया हो रखा है, धूप धूप निकली हुई है, बादल भी है, बट इतनी दिक्कत होने वाली है नहीं, तो इसलिए मौसम थोड़ा सा साथ दे रहा है। तो उसके लिए बारबेक्यू का अपना सामान वामान ले आते हैं। तो अगर शाम को बारबेक्यू करना है तो उसके लिए सामान ले आते हैं, जैसे कि वेजिटेरियन में अपने पास ऑप्शन क्या बचता है, पनीर, मशरूम और थोड़ा पोटैटो वटैटो कॉर्न वगैरह इस टाइप का। तो वही लेके आते हैं और शाम को बारबेक्यू करेंगे आज। मज़ा आएगा, सजाना बन जाए, इसलिए मज़े ही लेंगे बस। लंदन ट्रिप में मतलब कल काफ़ी थकान वकान लग गई थी, तो इसीलिए आज बहुत लेट मैंने व्लॉग शुरू किया। दिन के 1 बज गए हैं और आज व्लॉग इसलिए लेट शुरू हुआ है कल की थकान के वजह से। फिर एडिटिंग करना, तो आप लोगों को पता ही है एक नई स्किल जुड़ चुकी है मेरे साथ एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग, तो इसीलिए आज थोड़ा सा लेट ही मोबाइल पकड़ा है। और अभी आगे भी कम ही पकड़ूँगा, सीधे बारबेक्यू में ही पकड़ूँगा फ़ोन अब, क्योंकि आज थोड़ा कम शूट करेंगे। कल फिर घूमने के लिए जाने वाले हैं, कल दूसरी जगह घूमने के लिए जाएंगे हम, तो कल के व्लॉग में फिर आपको घूमना दिखेगा यहाँ पे। चलिए सामान वामान ले आते हैं अपना, फिर बारबेक्यू का तैयारी करते हैं शाम की। दोस्तों अपने बारबेक्यू के लिए सबसे पहला ये चेरी टोमेटो, इसमें सीख वीक फंसा के मस्त इसको सेक के खाना होता है, बड़ा टेस्टी होता है। दूसरा सामान शिमला मिर्च चाहिए होगी अपने वो पनीर वगैरह में फंसाने के लिए। दूसरा पाइनएप्पल दोस्तों ग्रिल करने के लिए, बारबेक्यू की असली जान तो पाइनएप्पल ही होती है जब तक पाइनएप्पल ना खाओ। और जब बारबेक्यू ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग इसमें सीख फंसा के इसको सेकते हैं बढ़िया। तो कौन तो अभी ढूंढ रहा हूँ दोस्तों मैं अपने के लिए ड्रम स्टिक। अपने को चाहिए चिकन ड्रम स्टिक बारबेक्यू के लिए, क्योंकि अपन खाएगा नॉन वेज। ये हो गया अपने बारबेक्यू के लिए पनीर दोस्तों, क्योंकि वेज वाले पनीर खाएंगे और हम अपना चिकन खाएंगे। तो एक चीज़ दिख रही है मैंने अभी तक यहाँ पर लस्सी नहीं जगी है, तो ये अभी नया कोई आया है यहाँ पर पाकिजा ब्रांड का, तो ये लस्सी लेते हैं, घर जाके बनाएंगे इस लस्सी को। तो मैं कर रहा हूँ अभी मैरिनेशन की तैयारी, तो पनीर वालों के लिए पनीर मैरिनेट कर दूंगा और अपने के लिए चिकन। तो चलिए मैरिनेट करते हैं, पहले मसाला बनाते हैं मैरिनेशन का, दही और 2-4 आइटम मिला के। तो दोस्तों सो गए थे दिन में, अपना बारबेक्यू वगैरह की तैयारी करी, खाना वाना खाया। खाना क्या खाया, नूडल्स खाए थे, नूडल्स खाए हैं और सो गए थे। फिर उठे हैं अभी, आधा 1 घंटा हो रहा है, 6:30 बजे उठ गए थे, 7:30 अब हो रहा है। अब करते हैं बारबेक्यू की तैयारी। आज मौसम ने बहुत साथ दिया है, मौसम अभी तक बढ़िया है, फर्स्ट क्लास बारबेक्यू के लिए ही है लग रहा है ये तैयार। इसको तैयार होना पड़ा बारबेक्यू के लिए, बस बारबेक्यू करेंगे पीछे गार्डन में आराम से अपना और इन्जॉय करेंगे। तो आपको दिखाते हैं बारबेक्यू के लिए हमने क्या क्या तैयारी करी है। तो चलिए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं बारबेक्यू का, अभी बारबेक्यू का नहीं, बारबेक्यू की जो हमने तैयारी करी है, जो मैरिनेट वैरिनेट करा वो सब। तो ये किए थे 4-5 लेग पीस चिकन के, बारबेक्यू करके वो मैरिनेट करके रख दिए थे। और ये हमने किया था पनीर के लिए मैरिनेशन, बढ़िया ये पनीर वेज वालों के लिए और ये चिकन नॉन वेज वालों के लिए।
तो अपने साथ एक कांड हो गया है। एक्चुअली बारबेक्यू वगैरह का जितना भी शूटिंग करी थी तो शूटिंग में काफ़ी आवाज़ें मतलब गायब रही, क्योंकि वो मेरे माइक का थोड़ा सा बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से आवाज़ गायब हो जाती है, क्योंकि मैं माइक कनेक्ट करता हूँ फ़ोन में, तो उस वजह से आवाज़ गायब हो जाती है। तो अब जब आप आगे का सीन देखेंगे वो थोड़ा सिनेमैटिक होगा, थोड़ा थोड़ा पीसेस में डालूंगा। हमने बातचीत बहुत सारी करी वहाँ पे, लेकिन आवाज़ की वजह से वो आवाज़ नहीं आ पा रही है वहाँ पे। तो ये हो रहा है, आप लोगों को पता है, नया ब्लॉगर हूँ अभी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब चीज़ें समझने में, तो समझ रहे हैं, तो इसीलिए कोई नहीं, सह लो थोड़ा, हमेशा बोलता हूँ सह लेंगे, सह लो। तेरा अलग चलता है। रुको चलो, रीटेक वन नहीं रीटेक टू चल रहा है दोस्तों। एक्चुअली इससे पहले वीडियो बनाई थी तो वो माइक के वजह से आवाज़ नहीं आई है, माइक ने ना बड़ा यार स्याप्पा पा रखा है, तो माइक के वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी अपना चल रहा है भुट्टा बारबेक्यू, अब मतलब थोड़ी देर में रैप अप हो जाएगा, तो लास्ट में हम ये भुट्टा खाते हैं अपना मस्त ग्रीन चटनी और नींबू के साथ लपेट के। तो वही भुट्टा ही चल रहा है अपना, चलता रहना चाहिए दोस्तों। देखो देखो, चलती का नाम गाड़ी, और जो रुक गई वो सवारी। इसी बात में तेरे को 11 रुपए और 2 चप्पलें मिलेंगी। ठीक है, तो कोई महान पुरुष कह के गए हैं, ये वीडियो प्रूफ करेगी तुम पति पे कितना, वो पत्नी पे कितना, वो पत्नी को कितना आप प्रताड़ित करते हो। मैं तो कितना प्रताड़ित हूँ, अगर ये ब्लॉग के माध्यम से पता, ये अगर ब्लॉग के माध्यम से पता लग गया ना, तो दोस्तों कोई महान पुरुष कह के गया है, नहीं कह के गया नहीं है, अभी भी कहता ही है, वो कह के गया है, कह देंगे तो समझेंगे कि लोग वो बहुत दूर चले गया है। इसे खाते जाओ और सूंघते जाओ, है? इसे खाते जाओ और सूंघते जाओ। हाँ, इसको सूंघने से क्या होगा, जुकाम नहीं होगा। तो दोस्तों वो जुकाम से बचने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना, खाने के बाद वाला मेरे को पता है, मैं आता ही रहूंगा। सूंघ के तो दिखाओ यार अपने व्यूअर्स को, जब तुम्हें बताया गया कुछ तो ज्यादा मजे ले रही है तू, सूंघ के नहीं दिखाओगे? अब किसी महान आदमी बताया तो सच्ची होगा ना, सूंघ के तो दिखाओ। रियल 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 हिट का बंदा है ना, कहता है सूंघूंगा गु कुत्ते का नहीं सूंघूंगा मैं। ऐसे गु कुत्ते का नहीं सूंघूंगा मैं, ऐसे बोलता हूँ। दोस्तों अपना भुट्टा वुट्टा खाते हैं और फिर आगे की प्लानिंग देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अपना बारबेक्यू भी लगभग खत्म हो गया है, बारबेक्यू भी अपना, बीच बीच में लाइट चली जाती तो ऐसे करके हाथ दिखाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं दोस्तों। देखो हम कितने एडवांस चल रहे हैं, आप लोग अभी भी प्लग में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हमारा एडवांस है, समझो यार कुछ तो समझो। चले भुट्टा वुट्टा खाते हैं और आगे का देखते हैं फिर सीन क्या होता है, कुछ होता है तो आपको जरूर पता लगेगा, कुछ नहीं होगा तो भी आपको पता लगेगा दोस्त। तो उस वक्त ना सपने पड़ गया है, यहाँ पे एक्चुअली 4-5 आदमी बैठे थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि हर कोई फोटोजेनिक नहीं होता है, फोटो वोटो हर किसी को, वीडियो वगैरह हर किसी को पसंद नहीं होती, तो इस वजह से हमने हर किसी को वीडियो नहीं बनाई। देखिए हम सोचते हैं सबके बारे में, तो बस निपट गया ये, अब अपना यहाँ से निपटने की तैयारी और सो जाएंगे फट से, सोएंगे नहीं अभी, कुछ सीरीज़ वीरीज़ देखते हैं, कुछ टाइम पास अपना करते हैं, और अभी 11 ही बज रहा है बस, तो अभी बहुत टाइम है। तो दोस्तों हम किसी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं अभी घर में, क्योंकि कल परसों में कुछ लोगों ने जो है, कोई यहाँ से जा रहा था तो कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, तो इस वजह से छोड़ने के लिए जा रहे हैं अभी किसी को। लेकिन अभी देखो आगे से नहीं नहीं आगे से तीन लड़कियां हैं, मैं पीछे से हूँ, ये लोग मेरे को इसलिए ले जा रहे हैं ताकि अगर किसी लड़के ने पकड़ लिया तो मैं हूँ पीछे से। लेकिन इनको ये नहीं पता है सबसे पहला भग्गी काटने वाला इंसान मैं ही हूँगा, अगर किसी ने पकड़ा सबसे पहली भग्गी मैं ही काटूंगा, वहां से मैं ही भागूंगा सबसे पहले, तो इतना मेरे को अपने आप पे भरोसा है, क्योंकि मैं हूँ भाग मिल्खा। तो चलिए इनको छोड़ के आते हैं और फिर अपना घर आके कुछ सीरीज वीरीज देखते हैं। यार आप लोग घबराना मत, मैं हूँ पीछे से, सबसे पहले मैं ही भागूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं इसका मतलब हम सही सलामत वापस घर पहुँच गए हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो कुछ भी कांड हमारे साथ भी हो सकता है।
तो इसलिए देखते हैं सही से घर पहुंच जाएं हम टाइम पे। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, बस छोड़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच गए घर में सही से, और अब अपना कुछ सीरीज वीरीज देखते हैं, टाइम पास करते हैं थोड़ी देर। और असुविधा के लिए खेद है, एक्चुअली हमने बारबेक्यू करा, बहुत इन्जॉयमेंट करा, मस्त बातें हो रही थी, काफ़ी रिकॉर्डिंग भी करी, लेकिन आवाज़ नहीं आ पाई, इस वजह से आपने जो भी व्यूज देखे वो सारे सिनेमैटिक थे, कोई भी रियल व्यू नहीं आ पाया। मेरे को थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा ये माइक के लिए, या तो ये माइक में थोड़ी सी दिक्कत है कि चार्ज, बैटरी वैसे ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई, कल हमारा लंडन वंडन सब इसी में ही रहा, लेकिन उसके बाद मैंने चार्ज नहीं किया, तो मेरे को चार्ज कर लेना चाहिए था। कोई नहीं, अब अगली बार ध्यान रखेगा। तो आज बारबेक्यू में काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ, काफ़ी सही रहा, आपको कभी अब अगले बारबेक्यू में दिखाई जाएंगी चीज़ें। तो ठीक है फिर, आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ और कुछ अच्छा करने के। कल हम घूमने जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं ये आपको पता लग जाएगा, अच्छी जगह जाने वाले हैं, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।